Towers and mobile phone signals tower, amongst other things. It is a space in which we live, work and enjoy our daily lives. फिर उसके बाद है फॉर इंस्टेंस ट्री गिव अस ऑक्सीजन बट व्हेन वी नीड अ हाउस वी गेट रिड ऑफ देम ऑफ ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स ऑन आवर प्लॉट वेयर वी प्लान टू बिल्ड आवर हाउसेज दिस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन इंक्रीजिंग एयर pollution in the environment increase pollution levels result in an increase in breathing difficult एयर एंड इलनेस फॉर पोल्यूशन फॉर पीपल्स. तो यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग करनी है इंशाल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टार्ट करेंगे बेटा इसकी. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. फिर उसके बाद मैं आपको लॉन्ग की ब्रीफिंग भी बताऊँगी. अभी के लिए आपने यह है कि आपने रिवाइज करना और इसके साथ मैं आपको लिंक भी अटैच करूँगी. आपने उसको पूरी हिस्ट्री आपने उसको स्टडी करनी है ठीक है मेरा बेटा. तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक करने अब आपको पता चल गया ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है, जोग्राफी में आपका ह्यूमन जोग्राफी और इन्वायरमेंटल जोग्राफी क्या है, और इसका जो डिफरेंस है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली माइनस है डिफरेंस है दोनों जोग्राफी मतलब दोनों सोशल स्टडीज़ में बहुत प्लेज एन इम्पॉर्टेंट प्लेज एन एक्टिव रोल अ वाइटर रोल, लेकिन थोड़ा सा माइनस है डिफरेंस है उसमें. हम इकोनॉमी के बारे में और ह्यूमंस के बारे में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिचुअल्स बिलीव्स नॉर्म्स एटीट्यूड वगैरह के बारे में, और इन्वायरमेंटल हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सहूलतें अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उनको चेज कर सकते हैं, और उनको मद्देनजर रखते हुए हम कौन कौन चीज़ें मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद आसान बना सकते हैं. तो आपने ये रीडिंग करनी है मेरा बेटा ठीक है. आज का आपके इतना ही टास्क है तो आपने अच्छी तरीके से इसको रीडिंग करना है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन से भी करेंगे और रिमेनिंग रीडिंग जो हमारी रह जाए वो भी करेंगे ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.